नेटवर्क सिक्योरिटी का फर्स्ट चैप्टर है ये, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 1.1 नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम देखेंगे। 1.2 इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। 1.3 आर्किटेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड 1.4 पेन, पेन का फुल फॉर्म होता है प्राइवेसी ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेशन एंड नॉन रिपीटेशन। एंड लास्ट टॉपिक 1.5 प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं 1.1 नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क क्या होता है, जब हम दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं किसी भी मीडियम से उसे नेटवर्क कहते हैं। जैसे एक पहला डिवाइस हो गया, दूसरा डिवाइस हो गया, आप इसे चाहे रस्सी से बांधो चाहे तार से कनेक्ट करो, किसी भी मीडियम से आप इसे कनेक्ट करोगे तो एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, एक नेटवर्क कहलाता है ये। नेटवर्किंग क्या होता है, आपने दो डिवाइस है इसको आपस में कनेक्ट कर दिया किसी भी माध्यम से और इसके बीच में आप कोई भी डेटा शेयर कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं नेटवर्किंग। और जब दो पीसी हो, ठीक है, यानी दो कंप्यूटर हो, पहला कंप्यूटर एंड ये हो गया अपना दूसरा कंप्यूटर, जब दो कंप्यूटर के बीच में आपस में उन्हें कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसफर करते हैं उसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और जब आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके बीच डेटा की जो प्रोटेक्शन करना होता है, किससे प्रोटेक्शन करें, अनऑथराइज यूजर या अनऑथराइज एक्सर यानी हैकर से प्रोटेक्शन करना नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाता है। यानी नेटवर्क क्या होता है, आपस में दो डिवाइस को कनेक्ट करना नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्किंग क्या होता है, दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसफर करना नेटवर्किंग कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहलाता है, दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करें और डेटा को ट्रांसफर करें किसी भी नोड के थ्रू उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहलाते हैं। और नेटवर्किंग क्या होता है, डेटा को प्रोटेक्ट करना, सिस्टम को प्रोटेक्ट करना अनऑथराइज एक्सेस या यूजर से, नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाता है। अब बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या क्या है, हम नेटवर्क प्रोवाइड कराने के लिए फायरवॉल का उपयोग करते हैं और इसमें हम बैकअप ले सकते हैं। इसमें बहुत सी लेयर प्रोवाइड होती हैं जिससे हम डेटा को ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे आपने TCP/IP मॉडल के बारे में पढ़ा होगा जिसमें हम 7 लेयर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। थर्ड, यहाँ जो ऑथराइज यूजर है वही केवल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, अनऑथराइज यूजर रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं किया कर सकता, इसलिए पासवर्ड और यूजर आईडी क्रिएट होती है जिससे ऑथराइज यूजर ही रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। ये रिस्क को रिड्यूस करता है, जैसे डेटा लॉस हो रहा है तो इसको रिड्यूस करेगा, कम डेटा लॉस शो करेगा। यहाँ पास आप फाइल हो गया, हार्डवेयर हो गया, एनी एप्लीकेशन को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पास आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं आपस में। यहाँ पास यूजर कम्युनिकेशन कर सकता है, जैसे आप एक व्यक्ति बैठा है कटनी में, एक व्यक्ति बैठा है जबलपुर में, वह आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू। आप ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, जैसे पबजी ऑनलाइन गेमिंग है। एंड हाई फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसको मैनेज करने के लिए आपको एक्सपर्ट एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है या होता है। और यहाँ पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, बिना आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के नेटवर्क किसी काम करने है, यहाँ पास एक्सपर्ट एम्प्लॉय चाहिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए। इसको मैनेज करना भी, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है इसको मैनेज करना भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पास हैक होने की संभावना बनी होती है लेयर की या डेटा की, मैसेज भी हैक हो सकता है। यहाँ पास लेयर 7 लेयर्स होती हैं, तो लेयर बाय लेयर हैक हो रहा होता है डेटा और फिर लास्ट में मैसेज हैक हो जाता है। या अनऑथराइज यूजर भी आपकी रिसोर्सेज को कभी ना कभी एक्सेस कर सकता है, 1% चांस होता ही है आपके डेटा को एक्सेस करने का अनऑथराइज यूजर के द्वारा। यहाँ ऐटोमेटिकली क्रिएट होता है रिस्क, जहाँ से हम रिस्क को रिड्यूस कर रहे होते हैं वैसे ही धीरे धीरे रिस्क भी क्रिएट होता रहता है और डेटा लॉस का सामना करना पड़ता है, बहुत कम लेकिन करना पड़ता है। तो अपना 1.1 क्लियर हो गया होगा, यदि डाउट डाउट हो तो कमेंट में बताइए। अब पढ़ते हैं 1.2,
इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या एक सिस्टम है, यह एक सिस्टम है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जिसमें हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप का डेटा इंफॉर्मेशन कहलाता है, वो चाहे टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है एंड वीडियो हो सकता है। और सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइस से बना हुआ सिस्टम एक सिस्टम कहलाता है, सेट ऑफ डिवाइस को हम सिस्टम कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम होता है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब इनके कंपोनेंट की बात की जाए तो इनमें आता है यूजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क एंड फीडबैक एंड प्रोड्यूसर। जो यूजर होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, क्योंकि आप इसके बिना इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑपरेट ही नहीं कर सकते। सेकंड होता है हार्डवेयर, थर्ड होता है सॉफ्टवेयर, फोर्थ होता है डेटा, फिफ्थ होता है नेटवर्क, सिक्स होता है फीडबैक। तो आई थिंक इनमें आपको ज़्यादा डाउट नहीं होगा। फीडबैक क्या होता है कि आप कोई कार्य करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, कोई कार्य किया गया, किसी टास्क को कंप्लीट किया गया, फिर बाद में हम क्या करेंगे, उस टास्क का फीडबैक मांगेंगे कि आपने अच्छा काम किया या खराब काम किया। 1.3 आर्किटेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब पढ़ेंगे 1.3 इंफॉर्मेश आर्किटेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। 1.2 में पढ़ा था इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, यह एक सिस्टम होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब इसको आर्किटेक्चर के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर होता है क्या है। तो जो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या क्या रेफर कर रहे होते हैं, क्या बता रहा होता है, बिजनेस पॉलिसी को बता रहा होता है, सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है ये बता रहा होगा, टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या है एंड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में क्या यूज हो रहा है, प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी कैसी है। अब बात करते हैं यहाँ पास क्या क्या इंक्लूड हो रहा होता है। यहाँ पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंक्लूड हो रहा होता है जो प्रोवाइड कराता है कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एंड यहाँ पर डिटेल भी इंक्लूड हो रही होती हैं जिसे अपग्रेड एंड रिप्लेस एंड कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये डिटेल हो सकती है कस्टमर की या सिस्टम की, एंड बता रहा होता है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये एक ब्लूप्रिंट होता है जो शो कर रहा होता है डेटा प्रोसेसिंग, टेक्निकल कम्युनिकेशन, नेटवर्क एंड डेटा के बारे में। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट की बात की जाए, जो हमने पहले पढ़ा था यूजर या पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क, फीडबैक, प्रोड्यूसर एंड डेटाबेस। तो क्या हो रहा होता है, एक पीपल एक यूजर है, ये क्या करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू इंफॉर्मेशन को पास किया, फिर ये इंफॉर्मेशन क्या होती है हार्डवेयर में जाती है, फिर हार्डवेयर के थ्रू किस में जाती है डेटाबेस में, और डेटाबेस में किस में जाती है नेटवर्क में, फिर आ जाती है यूजर के पास, और इसी के अंदर प्रोसेस हो रही होती है। हमने इनपुट दिया, फिर प्रोसेसिंग हुआ, फिर आउटपुट मिला, अब उस आउटपुट का फीडबैक देखेंगे आपने अच्छा काम किया खराब काम किया, और अच्छा काम किया तो फिर आप इनपुट यूजर के को बता देते हैं। तो इसकी एक प्रोसेस हो गई। अब इसके कंपोनेंट के बारे में जानते हैं कि इनके कंपोनेंट क्या क्या करते हैं। जो यूजर होता है ये ऑपरेट कर रहा होता है सिस्टम को, और आप बिना यूजर के ऑपरेट नहीं कर सकते ऑपरेटिंग सिस्टम को। हार्डवेयर क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस होता है जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये सभी आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है या कोड ऑफ ब्लॉक्स होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जिसका उपयोग करके हम एनालाइज एंड प्रोसेस करते हैं डेटा को। अब डेटा क्या होता है, यह एनी इंफॉर्मेशन हो सकता है, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे वीडियो हो, चाहे इमेज हो। तो किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं, और इसका उपयोग इसे हम DBMS में रखते हैं टेबल फॉर्म में। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क जो दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसफर करना नेटवर्क कहलाता है। फीडबैक क्या होता है,
आपने यदि कोई काम किया हुआ अच्छा हो सकता है या खराब हो सकता है, ठीक है, जो आपके परफॉर्मेंस थी किसी टास्क को कंप्लीट करने की, उसे कहते हैं हम फीडबैक। एंड लास्ट टॉपिक है, यह क्या करता है, ये पॉलिसी बता रहा होता है कि कैसा कंट्रोल रहेगा सिस्टम पे। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आर्किटेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड लास्ट टॉपिक की बात करते हैं 1.4, पेन का फुल फॉर्म होता है प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रेशन एंड नॉन रिपीटेशन 1.4। तो पहले जानते हैं प्राइवेसी क्या होता है। यह एक डॉक्यूमेंट है जो बता रहा होता है या फिर हैंडल कर रहा होता है कस्टमर क्लाइंट एम्प्लॉय की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। एक क्लाइंट है, एक कस्टमर है, उसकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जैसे पासवर्ड हो गया या उसकी पर्सनल डेटा हो गए, उसको हैंडल करने का काम करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई, एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसे प्राइवेसी कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए इसमें, तो इसको प्राइवेसी इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। यह सिक्योर करता है कॉन्फिडेंशियल डेटा को एंड प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है कॉन्फिडेंशियल डेटा को, और साथ में ये कलेक्ट शेयर कर रहा होता है पर्सनल डेटा को, कलेक्ट भी करेगा शेयर भी करेगा। एंड ये डिस्क्लोज करने की एबिलिटी रखता है, जैसे आपने कोई गलत काम किया और आपका पर्सनल डेटा रखा हुआ है, यानी आप हैकर हैं और हैकर की पर्सनल डेटा होता है, तो उसको डिस्क्लोज करता है, उसका खुलासा करता है। एंड कीप करता है स्पेसिफिक डेटा को रखता है, और ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसमें जो मेंबर होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। तो पेन का पी कंप्लीट हो गया प्राइवेसी। अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, यह एक प्रोसेस है जिसमें वेरीफाई कर रहे होते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं यूजर को या इंफॉर्मेशन को। तो ऑथेंटिकेशन, यदि मैं एक फेसबुक की आईडी है तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो मैं सही यूजर हूँ या गलत यूजर हूँ, उसको आइडेंटिफाई करने का काम ऑथेंटिकेशन कहलाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगी ऑथेंटिकेशन क्या होता है। अब बात करते हैं लास्ट, ये आई यानी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के ये एक एबिलिटी है जो सिक्योर कर रहा होता है डेटा को, किससे सिक्योर कर रहा होता है, अनऑथराइज मोडिफिकेशन से। यदि आपका डेटा है, पर्सनल डेटा है, तो उसमें अनऑथराइज मोडिफिकेशन होने से बचाने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। एंड नॉन रिपीटेशन क्या होता है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट होता है पेन का। इसमें यह बता रहा होता है कि आपकी वैलिडिटी कितनी है। यदि आपने पेन में जगह ली है तो इसमें लिमिटेड मेंबर है, और आप इसमें लिमिटेड टाइम के लिए जगह ले सकते हैं, ज़्यादा जगह नहीं ले सकते ज़्यादा दिनों के लिए, यदि लेना है तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो यह उसे बता रहा था कि आपकी वैलिडिटी 1 साल की है या 1 मंथ की है। तो आई थिंक पेन ख़त्म हो गया होगा, आपको समझ में आ गया। प्राइवेसी क्या होती है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रखता है। एंड ऑथेंटिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जो वेरीफाई कर रहा होता है यूजर को या आइडेंटिफाई कर रहा होता है। इंटीग्रिटी क्या होता है, ये सिक्योर कर रहा होता है आपके डेटा को अनऑथराइज मोडिफिकेशन से। नॉन रिपीटेशन क्या होता है, ये वैलिडिटी डेट या टाइम को इंश्योर करता है कि आपकी वैलिडिटी डेट कितनी है, उस दिन बाद आप एक्सपायर हो जाएंगे। अभी अपना लास्ट टॉपिक आ गया प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है या लार्ज डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी रखी हुई होती है, और इसको डिस्क्लोज भी किया जा सकता है इस डेटा को। अब बात करते हैं, यदि आपकी प्राइवेसी है तो उसके लिए आपको एक लॉ की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ नियमों की आवश्यकता होती है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जो बिजनेस इसका उपयोग बिजनेस में करते हैं पॉलिसी को डिक्लेयर करने के लिए, और जो डेटा है उसको स्टोर करते हैं, रिलीज करते हैं, किस डेटा को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को। अब ये कलेक्ट कर रहा होता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, कीप रखता है कॉन्फिडेंशियल डेटा को। एंड फोर्थ नंबर, ये स्पेसिफाई कर रहा होता है एप्लीकेशन लॉ को एंड कंटेंट को, कि आपका कंटेंट है तो उसके लॉ कौन कौन से होंगे।
एंड फोर्थ नंबर, यहाँ ना यहाँ जो ऑनर्स होता है, जो आपका प्रोडक्ट है, तो आप खुद के लॉ भी बना सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं यूजर्स के लिए जो उसका उपयोग कर रहे हैं। एंड सिक्स नंबर, जो पॉलिसी होती है उसको क्रिएट किया जाता है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, और चाहे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं इसमें, और इसका उपयोग गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेस दोनों में ही किया जाता है। तो प्राइवेसी पॉलिसी क्या होता है? ये एक पॉलिसी है जिसमें डाक इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है, सारे डिटेल सारे लॉ को मेंशन किया जाता है कि आपके मेरे बीच में समझौता हुआ 1 साल कार्य करने का, काम करने का, तो आपको ये लॉ को फॉलो करना होगा, यदि आप इस लॉ को फॉलो करेंगे तो आपको मेरा सारा पैसा वापस करना होगा।